आज मैं बात करूंगा पेप्टिक अल्सर के ट्रीटमेंट के बारे में। पेप्टिक अल्सर है ये हमेशा दो कैटेगरी में आते हैं, एक वो पेप्टिक अल्सर है जो हेलिकोबैक्टर इन्फेक्शन से रिलेटेड है और दूसरे वो पेप्टिक अल्सर हैं जो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग से रिलेटेड हैं या NSAIDs से रिलेटेड हैं या आप जो पेन किलर लेते हैं उनसे रिलेटेड हैं। अल्टीमेटली दोनों के ट्रीटमेंट में आपको उन दवाइयों की जरूरत पड़ती है जो एसिड को सप्रेस करती हैं या एसिड सप्रेसिंग मेडिसिन की कैटेगरी में आती है। नाउ सबसे पहले देखिए कि अगर हेलिकोबैक्टर रिलेटेड ये पेप्टिक अल्सर है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, आपको ट्रिपल थेरेपी देनी पड़ती है। तो इसमें हम दो एंटीबायोटिक यूज करते हैं जैसे से फॉर एग्जाम्पल एमोक्सिसिलिन एंड क्लेरिथ्रोमाइसिन और इसके साथ में कोई प्रोटॉन पंप इनहिबिटर यूज करते हैं सो दैट आपका जो एसिड है उसको सप्रेस किया जा सके। जब एसिड सप्रेस किया जाता है और दोनों एंटीबायोटिक यूज किए जाते हैं तो साइंस ऐसा मानती है कि देयर आर ऑड 85-90% चांसेस कि आपका अल्सर हील हो जाएगा। अगर आपका जो अल्सर है वो पेन किलर के चलते है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स के चलते है, तो सबसे पहला जो काम है वो है आपको जो पेन किलर है उसको बंद करने की जरूरत है। पेन किलर को बंद करने के अलावा आपको एसिड सप्रेसिंग मेडिसिन यूटिलाइज करने की जरूरत है, पर्टिकुलरली द प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम चूंकि एसिड सप्रेस हो जाता है तो अल्सर धीरे धीरे हील होता चला जाता है। कभी कभी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है कि पेन किलर को स्टॉप नहीं किया जा सकता है बिकॉज सम रीजन, तो फिर आपको साथ में कुछ ना कुछ PPI यूज करनी चाहिए एज मेंटेनेंस सो आपके जो पेप्टिक अल्सर है वो हील हो जाए या पेप्टिक अल्सर बनाए नहीं। नो देयर आर सर्टेन एरियाज जहां हमें ऑपरेशन या सर्जरी की जरूरत पड़ती है। से फॉर एग्जाम्पल अनफॉर्चुनेटली किसी भी पेशेंट को खून की उल्टी होती है एंड हम एंडोस्कोपी से उसको बंद करने की कोशिश करते हैं कि ब्लीडिंग जो अल्सर से हो रही है वो बंद हो जाए, लेकिन एंडोस्कोपी के लिए से फॉर एग्जांपल हम ब्लीडिंग को बंद करने में सक्सेसफुल नहीं होते हैं कि अगर खाने की थैली या ड्यूओडेनम में एक छेद हो जाए या परफोरेशन हो जाए या अल्सर बर्स्ट हो जाए जिसे कहते हैं तो फिर ऑपरेशन की जरूरत है। कि अगर कुछ कॉम्प्लिकेटेड ड्यूओडेनल अल्सर है या कॉम्प्लिकेटेड पेप्टिक अल्सर है जिसके चलते जो रास्ता है वो ब्लॉक हो रहा है या आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप हो रहा है तो पॉसिबली दिस इज द एरिया जहां आपको ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। हमेशा एक प्रश्न उठता है कि क्या पेप्टिक अल्सर में कैंसर होता है। देखिए आपको ये समझने की जरूरत है कि जो गैस्ट्रिक अल्सर है, गैस्ट्रिक अल्सर ऑलवेज अ रिस्की थिंग, इसलिए जब भी गैस्ट्रिक अल्सर होता है तो हम बायोप्सी जरूर करते हैं टू एक्सक्लूड एनी जो है मैलिग्नेंसी। पेप्टिक अल्सर का जो ट्रीटमेंट है बिकम्स इजी विथ एंटी हेलिकोबैक्टर ट्रीटमेंट और अवॉइडेंस ऑफ द पेन किलर्स और नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट्स। With over 1 lakh medical experts and the facility to teleconsult, experience clinic-like consultations on Practel.